ये है राजस्थान की रूमा देवी, जिन्हें राम मंदिर से न्योता आया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रूमा देवी को बुलाया गया है। रूमा देवी दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक मिसाल है। वो नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। गरीबी के चलते उनकी पढ़ाई छूटी, लेकिन हौसले नहीं डगमगाए। काबिलियत के दम पर अपने पैरों पर खड़ी हुई, साथ ही सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दिया और भारत ही नहीं अमेरिका जैसे देश में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी है। अब रूमा देवी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विशिष्ट महानुभाव श्रेणी का आमंत्रण दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली रूमा देवी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें नारी सशक्तिकरण की मिसाल कहा जाए तो कम नहीं होगा। अगर आप भी उनके सफर पर नजर डालेंगे तो आप भी यही कहेंगे। आज रूमा देवी देश भर में जानी जाती है, लेकिन एक वक्त था जब उनके पास कुछ नहीं था। किस्मत ने पहले उनसे माँ छीनी तो बाद में संतान, लेकिन जिंदगी के मुश्किल हालातों से गुजरते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। खुद भी खड़ी हुई और दूसरों का सहारा बनी। 5 साल की उम्र में रूमा देवी की माँ गुजर गई थी। फिर पिता ने दूसरी शादी की और रूमा को चाचा चाची के पास भेज दिया। गरीबी की वजह से 8वीं कक्षा में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई। सोचा शादी के बाद सब अच्छा होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रूमा देवी ने 2008 में पहली संतान को जन्म दिया, पर पैसों की तंगी के कारण 2 दिन बाद मासूम को खो दिया। रूमा देवी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद काम करने की ठान ली। रूमा देवी बचपन से सिलाई कढ़ाई में अच्छी थी। गांव की 10 महिलाओं के साथ उन्होंने एक ग्रुप बनाया। 100-100 रुपये इकट्ठा कर सेकेंड हैंड सिलाई मशीन ली। धीरे धीरे काम बढ़ाया और सामाजिक संस्थान से जुड़ी। रूमा देवी ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान की प्रेसिडेंट बनी। उन्होंने ट्रेडिशनल सिलाई कढ़ाई को देश भर में फैलाने का काम किया। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा। 30,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया। रूमा देवी को सर्वोच्च सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया। आज रूमा देवी फैशन डिजाइनर, पारंपरिक हस्तशिल्प कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानी जाती हैं। उनके कसीदाकारी कपड़ों की विदेशों तक मांग है। उन्हें महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 17वें वार्षिक भारत सम्मेलन में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। रूमा देवी ने जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका सहित विभिन्न देशों का दौरा भी किया है। इसके साथ ही उन्हें KBC में स्पेशल शो कर्मवीर के लिए भी बुलाया गया था। रूमा देवी का सफर और उनकी उपलब्धियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।